हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, किन्हीं भी दो रियल नंबर एक्स एंड वाई के लिए आपको प्रूफ करना है मॉड ऑफ एक्स प्लस के वाई ग्रेटर दैन मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई। ओके, हल करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। वी नो दैट क्या जानते हैं हम भाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस के वाई, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस माइनस के वाई का मॉड। क्लियर। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स प्लस के वाई, तो ये है ही, ज़रा इसके बारे में गौर करो आप। मॉड ऑफ एक्स माइनस के मॉड ऑफ वाई, फार्मूला ये होता है बेटा मॉड ऑफ एक्स माइनस के मॉड ऑफ वाई का, इधर लिख रहा हूँ, चूँकि पहली क्वांटिटी तो ये है मॉड ऑफ एक्स माइनस के मॉड ऑफ वाई, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई के। ओके, क्लियर है ना। तो जब इसके ऊपर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूँगा और ये माइनस का वाई जो है ये माइनस एज इट इज यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर ये कंडीशन मैंने अप्लाई की, ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू से हुआ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये मोड तो लग ही रहा है, बाहर वाला मोड तो है ही, ये हुआ मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ माइनस के वाई का कंप्लीट मोड। चूँकि हमारे पास मोड ऑफ माइनस के वाई बराबर होता है मोड ऑफ वाई के, तो यहाँ से ये निकल कर के आ, इधर तो मेरे पास चल ही रहा है मोड ऑफ एक्स प्लस के वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ, इसको क्या लिखा मैंने, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई का कंप्लीट मोड। ओके, सो दैट फाइनली क्या निकल करके आया मेरे पास, सो दैट मेरे पास निकला मोड ऑफ एक्स प्लस के वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई का कंप्लीट मोड, और यही मेरे को प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़रा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, मोड ऑफ एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड का मोड लेस देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई प्लस के मोड ऑफ जेड। ओके, वी नो दैट हमारे पास एक फार्मूला होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वी नो दैट मोड ऑफ एक्स प्लस के वाई लेस देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई। ओके, नाउ कंसेप्ट पाते हैं, नाउ जब इसके ऊपर इसको मैं लिखूँगा मोड ऑफ एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, इसको लिखा जा सकता है मोड ऑफ एक्स प्लस के, इन दोनों क्वांटिटी को एक क्वांटिटी मान ली मैंने, वाई प्लस के जेड। ओके, का मोड। अब ये जो क्वांटिटी होती है ये लेस देन और इक्वल टू होती है, देखो आप, पहली क्वांटिटी प्लस दूसरी क्वांटिटी मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई प्लस के जेड का मोड। अब फिर इसके ऊपर मैंने ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी लगाई, ये निकला मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई प्लस के मोड ऑफ जेड, इधर कितना निकल गया एक्स प्लस के वाई प्लस के मोड ऑफ जेड। ओके, यहाँ फिर दोबारा ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी लगाई जिससे निकला मोड ऑफ वाई प्लस के मोड ऑफ जेड, और यही आपको प्रूफ करना था। देखो आप, मैं क्या बता रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये मेरे पास बेसिक फार्मूला होता है, इन दोनों क्वांटिटी को एक क्वांटिटी लिखा, इसके ऊपर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई, फिर इसके ऊपर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई। ओके, इसको लिख सकता हूँ मोड ऑफ वाई प्लस के मोड ऑफ जेड, क्यों, मोड ऑफ वाई प्लस के जेड ये लेस देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ वाई प्लस के मोड ऑफ जेड। ओके, यहाँ से मैंने फिर इसको ये लिखा, और ये इधर क्वांटिटी ये चल रही थी लेस देन और इक्वल टू इसके, और यही मेरे को प्रूफ करना था। ओके, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले वाला आपको प्रूफ करना है
क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट ये प्रूफ करना है कि एक्स वन प्लस के एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन का मोड लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स वन प्लस के मोड ऑफ एक्स टू प्लस के मोड ऑफ एक्स थ्री प्लस एंड सो ऑन मोड ऑफ एक्स एन। ओके, ध्यान से सुनना। वी नो दैट हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, मोड ऑफ एक्स प्लस के वाई ये लेस देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई। मैंने इसको लिखा नाउ मोड ऑफ एक्स वन प्लस के, सारी को सेकंड क्वांटिटी मान ली, ये दूसरी क्वांटिटी मान ली एक्स टू प्लस के एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन तक। ओके, ये लेस देन और इक्वल टू होगा पहली क्वांटिटी का मोड मोड ऑफ एक्स वन प्लस दूसरी क्वांटिटी का मोड मोड ऑफ एक्स टू प्लस के एक्स थ्री प्लस के एक्स फोर एंड सो ऑन एक्स एन का मोड। अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ये जो दूसरी क्वांटिटी थी इसके दो स्टेप बनाए, पहले वाले स्टेप को अलग लिख लिया, दूसरे वाले स्टेप को अलग लिख लिया। ओके, आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी रख सकते हो। अब यहाँ फिर मैंने, चूँकि मेरे पास कंसेप्ट वही होता है मोड ऑफ एक्स प्लस के वाई लेस देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई, तो इधर जो निकल करके आया इधर निकला मोड ऑफ, इधर देखो आप एक्स वन प्लस के एक्स टू प्लस के एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन का मोड लेस देन और इक्वल टू, ये तो निकल गया मोड ऑफ एक्स वन प्लस, यहाँ मेरे पास निकला मोड ऑफ एक्स टू प्लस मोड ऑफ एक्स थ्री प्लस के एक्स फोर एंड सो ऑन एक्स एन तक। सिमिलर फैशन से जब इसके ऊपर वही कंडीशन अप्लाई करूँगा मैं, सिमिलरली ऊपर वाले कंसेप्ट ये निकल जाएगा मोड ऑफ एक्स वन प्लस के मोड ऑफ एक्स टू प्लस के एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन का मोड लेस देन और इक्वल टू होगा मोड ऑफ एक्स वन प्लस मोड ऑफ एक्स टू प्लस मोड ऑफ एक्स थ्री प्लस एंड सो ऑन मोड ऑफ एक्स एन, और यही आपको प्रूफ करना था। ओके, एक लास्ट का क्वेश्चन और भी है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन अब की बार मोड ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू अप टू एक्स एन का मोड लेस देन और इक्वल टू इसके बराबर आपको दिखाना है। ओके, प्रूफ देने जा रहा हूँ या ये आपका होमवर्क है, आप इसको करना, डाउट होगा आई विल कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।